हाँ बच्चों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एडवांस। टू जीरो टू फोर इसी साल का क्वेश्चन है कि इसमें भी मल्टी करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, सिंगल या मल्टी करेक्ट। द ऑप्शन या ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट थ्री मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि किस में कम से कम तीन मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं CO2, ठीक है। अगर हम ये केमिकल बॉन्डिंग पे बेस क्वेश्चन है, अगर हम CO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। CO2 में आप देखेंगे कार्बन के पास बच्चों चार इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने यहां देखा इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और यहां से कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, दो यहां और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका मतलब हो गया जो CO2 की बात करेंगे इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम C2H4 की बात करें तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि यहां से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं, और यहां से आपने देखा कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और हाइड्रोजन का डुप्लेट हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे NO, NO के जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो NO का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। NO के स्ट्रक्चर हम देखेंगे नाइट्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, पांच इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 2 2 4 1 5। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। तो यहां से आपने देखा कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे आपने देखा इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं इसको, तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे HCl का। HCl का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे बनता है, Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस एक एक इलेक्ट्रॉन की इसमें शेयरिंग हो जाती है बच्चों, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। तो देयरफॉर इसमें भी क्या लग रहा है, ऑक्टेट रूल लग रहा है। तो चार हमने दिखाया, तो ऑप्शन ए इज CO2 C2H4 NO एंड HCl। तो आपने देखा ये और ये, इन तीनों में ऑक्टेट रूल लग रहा है। तो तीन ही बताना है आपको कि इनमें से किस ऑप्शंस में एटलीस्ट थ्री मॉलिक्यूल्स फॉलो द ऑक्टेट रूल। दूसरे में देखेंगे बच्चों NO2, तो एक एक करके जब समय इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बना रहा हूं तो NO2 में आप कैसे बनाएंगे गौर से देखेंगे। NO2 का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पांच इलेक्ट्रॉन को कैसे देखेंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होंगी, तो डबल बॉन्ड हो गया। अभी हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दो यहां हो गया, 2 4 और 1 5, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल बॉन्ड इससे बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले करके निगेटिव चार्ज, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पांच इलेक्ट्रॉन, दो यहां हो गया, दो यहां हो गया, और यहां निगेटिव चार्ज लग गया। तो वन इलेक्ट्रॉन इट विल लूज, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन नीचे दिखा दें और ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो यहां आपने देखा कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कहेंगे इट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ये नहीं होगा। फिर हम O3 की बात करेंगे, O3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बच्चों, ऑक्सीजन यहां है, यहां है, इस ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है और इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसका स्ट्रक्चर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो 4 और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहां से हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से
इट इज ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट। अब हम बात करेंगे HCl, HCl मैंने अभी आपको दिखा दिया, और H2SO4 में अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो S के साथ O, O और यहाँ H ले लेंगे और यहाँ H ले लेंगे, यहाँ बच्चा एक O होगा, यहाँ होगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटो मॉडल में, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 1, 5, 6। तो ये बच्चों ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा अलॉन्ग विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट ऑक्सीजन एटम। अब इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ दिखाइए और इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ दिखाइए, और इन दोनों की दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ इस ऑक्सीजन में आपने देखा डबल बॉन्ड बन गया। तो जब डबल बॉन्ड बन गया तो सल्फर के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, इसका मतलब इट एक्सपेंड्स इट्स ऑक्टेट। ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, हमने क्रॉस का साइन इसलिए लगाया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट को अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 12 तक अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आपने ये देखा नहीं सही है, ये देखा नहीं सही है, दो हो गया और हमको 3 चूज करना था, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नाउ BCl3, अगर हम BCl3 की बात करें तो B के साथ एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। B के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और इट एक्ट्स एज अ लेविस एसिड, लेविस एसिड साथ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, तो ये लेविस एसिड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल तो ये नहीं होगा। NO हमने अभी आपको बताया था कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, NO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, और H2SO4 भी क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड करेगा। अब हम बात करें CO2 में, CO2 हमने देखा था ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, BCl3 फॉलो नहीं कर रहा है, O3 फॉलो कर रहा है और C2H4 फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपने देखा ये फॉलो किया, ये फॉलो किया और ये फॉलो किया ऑक्टेट रूल को, और इसमें से 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, इन विच 3 मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट। इन द ऑप्शन फर्स्ट CO2 कर रहा है, C2H4 कर रहा है और HCl कर रहा है, ऑप्शन डी CO2 कर रहा है, O3 कर रहा है और C2H4 कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और डी। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम अगले क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके JEE मेंस या JEE एडवांस के रिलेटेड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।